रोहतक बुधवार को भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रोहतक के नए प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में हुई, जिसमें हर वोटर से संपर्क करने का स्पष्ट संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कार्यकर्ताओं को एक एक वोटर तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जिससे भाजपा के कार्यकर्ता ने संपर्क ना किया हो। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चुनाव सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, चुनाव प्रबंधन समिति हरियाणा के संयोजक सुभाष बराला, संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाते हुए 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन से जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा भारत को विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में खुशहाली लाकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया है, ताकि हरियाणा विकसित होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ सके। देखिए, व्यवस्था को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है। यहां से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा, उसको लेकर के सारी व्यवस्था की एक बैठक। अच्छा, तो चार सीट कोई चुनौती है? चार सीट तो रोहतक की लोकसभा सीट कोई चुनौती है? देखिए, हमारे सामने क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं है बात, नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइन तो खत्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहां भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो विकास की गति तेज गति से आगे देश बढ़ेगा, ये लोग बिल्कुल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा का परिणाम हरियाणा की राजनीति तय करेगा और कांग्रेस की विधानसभा में सरकार इस सीट की जीत की वजह से बनेगी। ये पिछले बार भी बोल रहे थे जब बापू बेटा खड़े हुए थे, आपको मालूम है शायद आपके पास उनकी कोई बाइट होगी, भाई ये चुनाव तय करेगा अगला विधानसभा का, बोला था हमने पिछली बार भी, बोलते हैं परंतु लोग निर्णय करते हैं। सर, आप सीएम बने हैं, इनके बारे में कब तक निर्णय हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। सर, आप सीएम बने हैं, क्या आपका विजन है प्रदेश को लेकर? देखिए, विजन जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं और मनोहर लाल जी ने बड़ा जबरदस्त काम गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा के अंदर किया है, हमारी प्राथमिकता है उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनका अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के रूप में है, चिरायु कार्ड के रूप में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता है
और लोगों को घर बैठे सुविधा मिले। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अगर व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो घर बैठे ही उसकी पेंशन लग करके घर में आ जाती है, नहीं तो वो 6-6 महीने तो कांग्रेस के समय में, ये कांग्रेस की सरकार थी, चक्कर काटता रहता था कि मेरी पेंशन बनेगी और फिर सेवा करनी पड़ती थी। आज न सेवा की जरूरत है न चक्कर काटने की जरूरत है, आज घर में उसके पेंशन बन करके आ जाती है। आज इस प्रकार का लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का शासन। अनिल विज भी कब, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी थी प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष का कब कुछ फैसला है? देखिए ये भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो तय करेगा, उनके ध्यान में है सारा विषय। सर एक आखिरी सवाल, अनिल विज नाराज क्यों चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है, अनिल विज साहब हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, आगे भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं स्वयं भी आदरणीय अनिल विज जी के पास जाऊंगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।